एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमो जिले की खबरें। कोरोना काल के दौरान पूरे देश भर में अनेक स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज बंद किए गए थे। दमोह जिले के पथरिया रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनों के स्टॉपेज बंद किए गए थे, तो वहीं अब उन स्टॉपेज को बहाल किया जा रहा है। ऐसे में दमोह जिले के पथरिया रेलवे स्टेशन पर भी करीब 5 ट्रेनों के स्टॉपेज फिर से शुरू किए गए हैं। सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पथरिया पहुंचकर हरी झंडी दिखा करके ट्रेनों को रवाना किया, स्टॉपेज शुरू कराया। इस दौरान शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज शुरू कराया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। रिपोर्ट एसीएन न्यूज। पथरिया एक जागरूक स्थान है, जहां अपनी सुविधाओं के लिए लोग सचेत हैं। खास करके मैं देखता हूं कि रेलवे की समस्याओं में जितनी डिमांड यहां से होती है वो शायद किसी और स्थान से नहीं होती। और ये सच है कि जन सुविधाएं जितनी हों उतना बेहतर होता है, लेकिन भारत सरकार तीसरी लाइन यहाँ से डाली इसलिए रही है कि हमारे गुड्स का सबसे बड़ा मार्ग और व्यस्ततम मार्ग ये है। दूसरा, तीसरी लाइन बनने के बाद कुछ और चीज़ें सुविधाजनक हो सकती हैं, लेकिन अभी 5 रेलगाड़ियों का जो स्टॉपेज हुआ है, मैं पथरिया के लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा क्षमा पर्व भी है और लोग यहाँ से शिखर जी इसी छिपरा ट्रेन से जाते हैं, एकमात्र रास्ता है। तो सच है कि कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो वास्तव में इस विकल्प के अलावा संभव नहीं है। मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और रेलवे के अधिकारियों को भी साधुवाद देता हूँ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, चूँकि उन्होंने ये तय किया था कि मैं आऊँ तभी शुरुआत होगी, लेकिन बची हुई 4 ट्रेन दो दिन के भीतर या 3 दिन के भीतर उनके स्टॉपेज शुरू हो जाएंगे। बांदकपुर में भी 3 ट्रेनें रुकेंगी और हमारे ये दोनों केंद्र बहुत मजबूत केंद्र हैं, और सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ।